वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेरिस में इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया, जिसकी तफसील बता रहे हैं खालिद महमूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस के सदारती महल पहुंचे। सदर मैक्रोन और खातून अव्वल ने शानदार इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामी तरक्याती बैंक के सरबरा डॉक्टर मोहम्मदुल जासिर ने मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ जारी मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। माशी मामलात पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के खदशात दूर करने के लिए हाल ही में तश्कील दी गई खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के बारे में बताया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आपने मेरा दिन खुशगवार बना दिया, मैं आपको बेहतरीन मीठे आम भिजवाऊंगा। शहबाज शरीफ ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल से मुलाकात में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, 163 मिलियन यूरो की मुआशी मुआवनत की फराहमी पर भी जर्मन हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं मौसमियाती तब्दीली के खतरात और माशी दबाव जैसे मसाइल में जर्मनी तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ बनेगा। शहबाज शरीफ और चीन के वज़ीर आज़म ली कीचियांग की भी मुलाकात हुई, जिसमें सीपैक समेत दो तरफा ताल्लुकात और माशी तआवुन पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की जुग्राफियाई सालमियत, खुद मुख्तारी और माशी तरक्की के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात में दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने के पुख्ता अज़्म का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से ब्राज़ील के सदर लोला डी सिल्वा ने मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन को मजीद वसअत और फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।